हेलो एवरीवन, मैं श्वेता मैम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कमिंग संडे मदर्स डे है, तो आइए हम लोग मदर्स डे पे कार्ड बनाना सीखते हैं, ताकि आप अपने मदर को कार्ड देके सरप्राइज करें। इसके लिए हमें चाहिए 2 A4 साइज शीट्स, डिफरेंट कलर का स्केल चाहिए, सीजर, पेंसिल, फेविकॉल, और डेकोरेशन के लिए आपको स्केच पेन। जब भी आप ध्यान दीजिए, जब भी आप सीजर यूज करें, आप अपने पेरेंट्स के सामने ही यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर को हम लोग कार्ड शेप में हाफ फोल्ड करेंगे, इसे भी हम लोग फोल्ड करेंगे। जिस पेपर को इनर साइड रखना है, उस पर हम लोग एक हाफ शेप ड्रॉ करेंगे। हार्ट शेप ड्रॉ करना है। हार्ट शेप ड्रॉ किए, 1 सेंटीमीटर छोड़ करके एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसे हार्ट शेप में कट कर लेंगे। हार्ट शेप में कट कर लिया, इसे ओपन करेंगे। देखिए हार्ट शेप कट है, इसे कट कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद स्केल के हेल्प से इसमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गया है। इसे हम लोग स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमें जो हम लोग इनर साइड लाइन ड्रॉ किए हैं हार्ट का, वहीं तक ड्रॉ करना है। देखिए हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग इस लाइन को सीजर से यहां तक कट करेंगे। इसे हम लोग कट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि इसके आगे आपको सीजर लेकर नहीं जाना है, ये यहीं तक आपको कट करना है। इसी तरह से हम लोग सभी लाइन को कट कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने इसे कट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सभी स्ट्रिप्स को हम लोग अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद स्केल के हेल्प से ऑल्टरनेटिवली ये जो स्ट्रिप्स है इसके अंदर स्केल को हम लोग डालेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को स्केल के अंदर डालना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे इस स्ट्रिप्स को बाहर की ओर निकालेंगे।
इसी तरह सारे स्ट्रिप्स को, जो स्केल में है उसे नहीं, जो स्केल के अंदर नहीं गया है उसे हम लोग बाहर की ओर निकालेंगे। निकालने के बाद इसे हम लोग इसे प्रेस करेंगे अच्छे से। प्रेस कर देते हैं सारे स्ट्रिप्स को। सारे स्ट्रिप्स को अच्छे से हम लोगों ने प्रेस कर दिया। अब इसे हम लोग स्केल को बाहर निकाल लेंगे। एक स्ट्रिप्स ये रह गया है, इसे भी हम लोग बाहर निकाल। हाँ देखिए, ये जो बाहर निकला है उसे अच्छे से इस स्ट्रिप्स को हम लोग प्रेस कर लेंगे। अब बड़े वाले कार्ड को ओपन करेंगे और इसे हम लोग इस शेप में रखेंगे। देखेंगे अपर और लोअर साइड डिस्टेंस बराबर हो। रखने के बाद हम लोग ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाना है। देखिए ग्लू जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए थे उस पर लगाना है, स्ट्रिप्स पे लगाना है। सारे स्ट्रिप्स पे हम लोग ग्लू लगा लेंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगा लेंगे। यहाँ भी लगा करके अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को हम लोग बंद कर देंगे और अच्छे से इसे हम लोग प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस हम लोग इस साइड से भी करेंगे। इसे ओपन करेंगे, अब हम लोग इधर ग्लू लगाएंगे। देखिए हम लोग दोनों साइड से इसे पेस्ट कर लिए हैं। अब इसे हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये आपका पॉपअप कार्ड रेडी हो गया। ये हार्ट शेप में आपका आ गया। अब इस पे आप अच्छे से मदर्स डे लिख करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सैंपल के तौर पे एक कार्ड रेडी किया है, आप इसे देख सकते हैं। इसे आप ऊपर खूबसूरत बहुत ही अच्छे ढंग से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये हार्ट जो है इसे अगर आप रेड कलर से बनाएं तो यह और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।